सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। कई दिनों से आप सुन रहे थे विक्ट्री डे विक्ट्री डे विक्ट्री डे। जी हां, विक्ट्री डे मना रहा था और उसकी तैयारी कर रहा था, परेड की तैयारी कर रहा था रूस। और कल के दिन विक्ट्री डे सारा दिन मनाया। विक्ट्री डे क्यों मनाता है रूस वो आप जान लीजिए। वर्ल्ड वॉर टू में ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करी थी रशिया ने। 77वां विक्ट्री डे कल रूस ने मनाकर इसी बहाने से अमेरिका समेत सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। मिलिट्री परेड के साथ साथ उसने सारे अपने हथियार भी खोलकर दिखाए, पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। और व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी लंबे चौड़े बयान भी दिए। लेकिन पहले उस परेड की कुछ तस्वीरें। стратегического назначения. Ее составили автономные пусковые установки ракетного комплекса ЯРС 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенюк. Мобильные возможности комплекса ЯРС позволяют в короткие сроки скрытно рассредоточиться на больших территориях и осуществить гарантированный запуск ракеты сил России. Раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что... आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने यह बात खुद कही इस परेड के दौरान अपनी स्पीच में कि नाटो के देश और पश्चिमी देश रूस के इलाके पर अटैक करने वाले थे। इससे पहले कि वो हम पर हमला करते, हमने यूक्रेन पर हमला किया। रूसी सेना यूक्रेन में अपनी सरजमीन की रक्षा कर रही है और इसी तरह से करती रहेगी। व्लादिमीर पुतिन ने आगे ये भी कहा कि रूस की सेना ने बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर रूस के खिलाफ जो देश काम करने वाले थे, हमला करने वाले थे, यानी यूरोपीय देशों को और नाटो के देशों को निशाने पर लेते हुए ये सारी बातें व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने सही काम किया। कुल मिलाकर यूक्रेन के ऊपर अपने हमले को सही ठहराया है व्लादिमीर पुतिन ने। दोस्तों, इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो जो है, यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो पहुंचे, मैं आपको कल ही बता चुका था, यूक्रेन,
तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने उन्हीं के सामने अपने यूक्रेन के कुत्ते को अवार्ड दिया। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है। अवार्ड इसलिए दिया, मेडल इसलिए दिया क्योंकि इस कुत्ते ने कई जगह यूक्रेन में बम सूंघकर ढूंढकर निकाले। हालांकि इन कुत्तों को भारत में भी कुछ दिन पहले अवार्ड दिया गया है, मतलब आप जानते हैं गोदी मीडिया को किस किस पत्रकार को अवार्ड दिया गया है, वहाँ पर उनको इसलिए अवार्ड दिया कुत्तों को क्योंकि उसने बम ढूंढे। भारत में गोदी मीडिया के पत्रकारों को इसलिए ऐसे ऐसे अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने नफरत फैलाई। G7 की मीटिंग में जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और इटली और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। इन्होंने यानी G7 की मीटिंग में ये बात G7 ने सब अपनी तरफ से, मतलब सबकी तरफ से बयान दिया गया है कि खाने पीने की कमी यूक्रेन में हो रही है, तो अब G7 के देश वो मदद करेंगे, वो मदद पहुंचाएंगे। और साथ में बड़ा बयान इन्होंने ये दिया है कि हम रूस को जीतने नहीं देंगे। G7 ने आगे ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन पूरे रशिया को और ख़ुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। वहीं पर EU की, ये आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देख लिए, ये सेक्रेटरी खुद पहुंची थी, ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी थी और प्रोपेगेंडा ज़ेलेंस्की का कामयाब हुआ, जिसके बाद वापस आने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सेंसलेस अग्रेशन रशिया दिखा रहा है। कहने का मतलब इनका ये है कि रशिया के सींग निकल गए हैं और ज़बरदस्ती वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, मतलब बिना सर पर की बात खुद ही उल्टा सीधा बयान दे रही हैं। Of the past, we thought we had long left behind an atrocious war, senseless aggression and destroyed cities, millions of innocent fleeing their homes, a people desperately struggling to determine its own future. अब EU का भड़काने वाला बयान सुन लीजिए जिस पर रूस भड़क सकता है। EU ने कहा है कि हमने सारी दुनिया में जो पाबंदी लगाकर रूस के पैसे जो सीज करे हैं, उन्हीं पैसों से हम यूक्रेन को दोबारा खड़ा करेंगे। अब रूस ने बड़ा दावा किया, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, और हमने भी कंफर्म किया है, रूस ने कहा है कि उसने रडार स्टेशन को जो अमेरिका ने बनाया था, जो कि ज़ोले टाउन में था, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही जो नए हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन में आए थे, उनको भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इसी के साथ कीव में सायरन बजने लगा, जी हाँ, और सायरन ऐसा कि अफरा तफरी मच चुकी थी। दोस्तों, रूस को भड़काने वाला काम पोलैंड में भी किया गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये खून नहीं है और जिनके ऊपर ये खून जैसा कुछ नज़र आ रहा है, ये रूस के अम्बेसडर हैं जो कि पोलैंड में हैं। पोलैंड में अम्बेसडर को, यानी रूस के अम्बेसडर को घेर लिया गया यूक्रेन के समर्थकों के द्वारा और उनके ऊपर लाल रंग फेंका गया। वहीं पर रूस ने जानकारी दी है कि यूक्रेन से बातचीत तो चल रही है, लेकिन जिस स्पीड से चलनी चाहिए नहीं चल रही, बल्कि काफ़ी धीरे धीरे ये बातचीत चल रही है, जिसका रिजल्ट निकलना मुश्किल है। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एज़ोवेस्टल प्लांट पर यूक्रेन में दोबारा से रूस ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन फुटेज देखिए। इरपिन के इलाके में बमबारी बारिश की तरह की गई, जिसमें से हजारों बम नहीं फूटे और जिसको यूक्रेन की सेना ने डिफ्यूज किया। डिफ्यूज किए हुए बम सबूत के तौर पर दुनिया को दिखा रहा है यूक्रेन। все боеприпасы, які були знайдені на нашій території, їх хлопці по розмінуванню зібрали, далі будуть знищувати. Це катапульта з російського літака. Це повністю все ми знайшли і наші хлопці позабрали. Далі будуть знищувати. А з цієї сторони
це вже відстріляно. Це все металобрухт. Ісі ке бад Одеса ке нє ерія ме дубара се Рус не бада хамла карке аб Одеса ко бі табах кар дія хе. Да, щас. Одеса ме मिसाइल स्ट्राइक से 4-star होटल जो काफी महंगा और काफी बड़ा था यूक्रेन में तबाह हो गया है। खंडर देखिए। दोस्तों इसी के साथ ये इस तस्वीर देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए ध्यान से। हाँ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि यूक्रेन पर नहीं, रूस के बॉर्डर के इलाके पर बड़ा हमला है, जिसे गांव कहेंगे। रूस के गांव पर बड़ा हमला जिसे रूस बौखला गया है। यूक्रेन की सेना ने भी 21 रशियन सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए यूक्रेन के कई नए इलाकों पर जहां पर अभी तक हमला नहीं हुआ था, रूस के लड़ाकू फाइटर हेलीकॉप्टर ने अब वहां भी गोलीबारी शुरू कर दी है और पूरा सिनेमैटिक अंदाज में इस चीज को रूस दुनिया को दिखा रहा है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट पे जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।